गुड मॉर्निंग टू एवरी वन. माई नेम इज अजित तिवारी एंड दिस इज 21th पार्ट ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. सो लेट्स स्टार्ट. तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप, वो आदमी जो घुड़सवारी में स्किल्ड हो. तो देखो, जो ऑप्शन हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ए बी सी डी जो हमारा ऑप्शन है, उन सब का मतलब क्या होता है? घुड़सवारी. ठीक. लेकिन क्या होता है कि देखो, कुछ लोग होते हैं कि किसी चीज को सीखने के लिए अलग से जाके ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक. और कुछ लोग क्या होते हैं, वो जन्मजात होते हैं उस चीज को, मतलब कि एक एनवायरमेंट ऐसा पाते हैं कि उन्हें सीखना नहीं पड़ता, वो धीरे देख कर सीख जाते हैं. तो उसका अंतर है यहाँ पर, ठीक. तो इक्वेस्ट्रियन के लिए मतलब क्या है कि वो स्किल्ड है, उसने जाके ट्रेनिंग ली है घुड़सवारी के लिए. तो ये यहाँ पे इसका मतलब ये है, ठीक. अ पर्सन हु स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इक्वेस्ट्रियन. अगला क्या है? अगला है हमारा, ही मिस्टेक ऑफ प्लेसिंग समथिंग इन द रॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अगर मान लो किसी ने किसी चीज को गलत पीरियड ऑफ टाइम में क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया. जैसे अगर मान लो कोई बुक लिख रहा है, बुक लिखते वक्त अगर उसने ये लिख दिया कि हमारा कंट्री 1947 में ना आजाद होकर 1957 में लिख दिया, ठीक. गलती से उसका 4 की जगह 5 हो गया, तो वो क्या हो गया, वो उसने मिस्टेक से, गलती से डेट डेट क्या हो गया, डेट गलत लिख दी, ठीक. मतलब हिस्ट्री में जो डेट था वो तो गलत हो गया ना. तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? देखो, मिस्टेक तो एक अलग चीज है. यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बोला है मिस्टेक ऑफ प्लेसिंग समथिंग, कुछ भी यहाँ पे. लेकिन पहला ऑप्शन क्या है हमारा? मिस्टेक, मतलब केवल डेट के बारे में बात किया गया. लेकिन वहां पे कुछ भी अगर गलत पीरियड ऑफ टाइम में प्लेस कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? एनाक्रोनिज्म. एनाक्रोनिज्म मींस क्या होता है? प्लेसिंग समथिंग इन द रॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अनदर ऑप्शन क्या है? मिसप्लेसमेंट. मिसप्लेसमेंट मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को किसी गलत, मतलब कि किसी गलत जगह पे रख देना, ठीक. यहाँ पे जैसे कि मान लो चलो, अगर किसी ने कहा कि मोबाइल को उठा के टेबल पर रखो, आपने बिस्तर पर रख दिया, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे मिसप्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक. हमारा अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन है हमारा प्रोलेप्सिस. क्या है? प्रोलेप्सिस हमारा अगला ऑप्शन है. तो देखो, हमारा प्रोलेप्सिस का मीनिंग क्या होता है? प्रोलेप्सिस का मीनिंग होता है पूर्वानुमान, मतलब पहले से अनुमान कर लेना, फोरकास्ट, फोरकास्टिंग, ठीक. प्रेडिक्शन. प्रोलेप्सिस का मतलब क्या होता है? प्रेडिक्शन, फोरकास्ट, ठीक, या फोरकास्टिंग. देखो, ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया. अब अगला अगर हम क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अ लो एरिया स्टॉर्म विद हाई विंड्स रोटेटिंग अबाउट अ सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक. रोटेटिंग अबाउट अ सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे जितने ऑप्शन है, यहाँ पर चारों, चारों मतलब क्या होता है? आंधी तूफान. चारों एक दूसरे क्या है? साइनोनिम्स है. लेकिन देखो, जो चक्र वो होता है, बवंडर होता है, उसमें क्या होता है कि वो अंदर की ओर, उसमें क्या होते हैं, जो एयर होती है वो अंदर की ओर फ्लो होती है. जो सेंटर में एक सेंटर होता है, उसके अबाउट जो हमारा क्या कहते हैं, एयर होती है, वो रोटेट होती रहती है. मतलब कि जो भी आंधी तूफान है वो रोटेट होता रहता है और सारी चीजें अपने अंदर लेते रहता है. उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं साइक्लोन, ठीक. उसे हम क्या कहते हैं? साइक्लोन. बाकी टोर्नेडो, टाइफून और ह्यूरिकेन, इन सब का मतलब होता है तूफानी, तूफान, अंधड़, ठीक. ये सब होता है, ये सारे एक दूसरे के साइनोनिम्स हैं. फोर्थ क्वेश्चन क्या है? अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज्ड इन डिजीज ऑफ द नोज. वो डॉक्टर जो नाक की डिजीज के लिए का, नाक डिजीज का स्पेशलिस्ट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? रेनोलॉजी. रेनोलॉजी मीन्स स्पेशलिस्ट ऑफ नोज. नेक्स्ट इज ऑटोलॉजिस्ट. ऑटोलॉजिस्ट मीन्स क्या होता है कि कान का डॉक्टर, स्पेशलिस्ट ऑफ ईयर. अगला क्या है? पैथोलॉजिस्ट. पैथोलॉजिस्ट मीन्स चिकित्सक, मीन्स रोग विज्ञानी. क्या होता है? रोग विज्ञानी. एंड लास्ट ऑप्शन इज पोडियाट्रिस्ट. पोडियाट्रिस्ट मीन्स फुट डॉक्टर, मीन्स पाँव का डॉक्टर, पाँव का चिकित्सक. अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? वन हु एंटरटेन्स हिज गेस्ट वेल. वो जो अपने जो अतिथि का स्वागत बहुत अच्छे तरीके से करता हो, वो एंटरटेन्स हिज गेस्ट वेल. तो पहला क्या है? देखो, इनहॉस्पिटेबल. इनहॉस्पिटेबल, तो इसके लिए पहले बात हम डी ऑप्शन देते हैं. देखो, हॉस्पिटेबल मीन्स क्या होता है? हॉस्पिटेबल मीन्स क्या होता है? स्वागत करने योग्य, मतलब जिसका स्वागत किया जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं? हॉस्पिटेबल. उसे हम बोलते हैं हॉस्पिटेबल.
तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, इनहॉस्पिटेबल। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, इनहॉस्पिटेबल, मतलब जिसका स्वागत ना किया जा सके। अगला क्या है, अगला अगर हम देखें हमारा बी ऑप्शन क्या है, इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो क्या है, मीन्स अज्ञात, अप्रकट, गुप्त, चुपके से। ठीक, ये हमारे तीन ऑप्शन हो गए। और हमारा सी ऑप्शन क्या है, पैरासिटिक। पैरासिटिक देखो, पैरासाइट्स होते हैं जो किसी और पर डिपेंड करते हैं, मतलब कि वो प्लांट या वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो स्ट्रीट के डॉग्स होते हैं, उनके अगर आप शरीर पे जाएं तो देखिए छोटे छोटे कीड़े होते हैं। ठीक, या कोई भी पालतू जानवर ले लेंगे गाय भैंस, उनके ऊपर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। या पौधों के ऊपर, फसलों के ऊपर छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स। ठीक, और ये पैरासिटिक भी मतलब क्या होता है, वही होता है। ठीक, तो चार ऑप्शन हो गए, तुम्हारा क्या आंसर क्या हो जाएगा, हॉस्पिटेबल। प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, वो प्लेस जहां पर बर्ड्स को रखा जाता है। देखो जू मीन्स जानवर, जहां पे जानवर रखे जाते हैं। ठीक, एपीएरी मीन्स क्या होता है, जहां पे मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। एपीएरी, एपी, जहां पर भी एपीआई समझ आ जाए समझ लेना, वहां पे थोड़ा सा वर्ड, उस वर्ड का मतलब क्या होगा, कहीं कहीं मधुमक्खियों से रिलेटेड होगा। तो एपीएरी मीन्स क्या होता है, जहां पर मधुमक्खियां रखी जाती हैं। आर्मरी, आर्म, ए आर एम, आर्म मीन्स क्या होता है, थोड़ा मतलब कि बुझा होता है, लेकिन आर्म फोर्स। ठीक, आर्मरी मीन्स क्या होता है कि जहां पर हथियार हथियार रखे जाते हैं। ठीक, और एवियरी, एवियरी मीन्स क्या होता है, जहां पर बर्ड्स को रखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एवियरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कॉशनरी एडवाइस, मतलब एक धमकी भरा, धमकी भरा सलाह, सलाह देना। देखो एडवाइस मीन्स क्या होता है, सलाह देना, लेकिन एक धमकी भरा, तो उसे हम क्या बोलेंगे। पहला है हमारा सेंसर, दूसरा भी है हमारा सेंसर, प्रोनाउंसिएशन मतलब सेम है थोड़ा सा। ठीक, थर्ड है प्रेशर, फोर्थ है वार्निंग। प्रेशर मीन्स क्या होता है, दबाव। ठीक, एक दबाव मतलब किसी भी तरीके का हो सकता है, फिजिकल दबाव हो सकता है। ठीक, एक मेंटल प्रेशर हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। ठीक, सेंसर क्या है, देखो जो सेकंड ऑप्शन है सेंसर, उसको क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ठीक, एक सेंसिटिव डिटेक्टर होता है। एंड फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन क्या है, सेंसर। सेंसर मीन्स क्या होता है, कोई भी ऑफेंसिव चीज, मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जो कि मतलब कि सही नहीं है, उसको बुक से हटाना, उसे हम क्या कहते हैं, सेंसर। टू रिमूव एनीथिंग ऑफेंसिव फ्रॉम बुक्स, फिल्म्स, ईटीसी, बुक्स में, फिल्म्स में। ठीक, अब कोई भी ऑफेंसिव चीज है या घृणात्मक चीज है तो उसे हटा देना, वही कहते हैं सेंसर। सुना होगा आपने सेंसर बोर्ड, हाँ सेंसर बोर्ड होते हैं ना वैसे ही। और टू रिमूव पार्ट्स कंसिडर्ड जो कि अनसुटेबल होते हैं, जैसे कई बार फिल्म्स बन जाती है किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर, ठीक, पर्टिकुलर कास्ट को लेकर, तो वो सब कहाँ जाते हैं, सेंसर बोर्ड जाते हैं, उनसे शिकायत करते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि इसके ऊपर आप एक्शन लीजिए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। डी मीन्स वार्निंग, वार्निंग मीन्स धमकी देना, मतलब कि एक तरीके से वार्न कर देना उनको। ठीक, अ स्टेटमेंट और इवेंट दैट वार्न्स ऑफ समथिंग, कॉस्टली एडवाइस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। और तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो यार भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।